अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मजे का बनता है और हर किसी को बहुत पसंद है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। तो जी, सबसे पहले हमने चिकन लिया है। चिकन मेरे पास 1 kg है, तो अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। 2 glass मैंने चावल लिए हैं। ये तो मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने 1/2 hour के लिए पानी में डिप कर दिया। और ये हमारे पास 1/2 cup ऑयल है। आप अपनी मर्जी से घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल यूज किया है। ठीक है, ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, ये मैंने 1 tablespoon लिया है। ये पुलाव मसाला है, तो ये मेरे पास 2 teaspoon है। और 1.5 tablespoon मेरे पास सॉल्ट है, अगर जरूरत हुई तो हम और ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास कटी हुई मिर्ची है, जिसको मैंने दरमियान में कट लगा दी है। और ये 2 tablespoon हमारे पास दही है। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में आपको प्याज नहीं दिखाया, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करते हैं। हम लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे कि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर कर देंगे। जब हम इसको कवर कर देंगे तो प्याज का अच्छा कलर निकल आएगा पुलाव के लिए। इसी टाइम में हम इसमें जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। जी, तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हम इसको ओवर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो जो इसकी बोटी है वो ड्राई हो जाएंगी। साथ ही अब हम इसमें जो नमक है वो ऐड करते हैं। जी, तो हमने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है और हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। और अभी बस मैंने जो इसमें जो दही थी 2 tablespoon वो ऐड की है। दही डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से फ्राई करेंगे, मीन्स कि जो इसका जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑलमोस्ट इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है, जो हमने दही ऐड की थी। तो अब हम इसमें चावलों के लिए जो पानी ऐड करना है वो ऐड करते हैं। मैंने 2 glass चावल लिए थे, तो मैं 4 glass पानी इसमें ऐड करूँगी। चावलों को मैंने 1/2 hour के लिए डिप करके रखा हुआ था। हम जो पुलाव मसाला है वो ऐड करेंगे और जो हरी मिर्ची है वो भी ऐड कर देंगे कि जो अच्छे से जो इसका टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। तो जो पुलाव है वो जरा जूसी जूसी पुलाव अच्छा लगता है। तो अब हम वेट करते हैं, जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो पानी में अच्छा बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जो हमारे चूल्हे की स्पीड है वो फुल है, तो हम अभी तक इसका जो स्पीड है अभी थोड़ी देर फुल ही रखेंगे, आगे जाके हम इसकी स्पीड को कम कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप इससे थोड़ी देर पहले नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत हो आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट पानी डन हो गया, अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जी, तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। पुलाव रेडी हो चुका है, तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो हमारा बहुत ही मजे का चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसको सैलेड के साथ, रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मैं रायते की रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।